नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सुरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और ये अपेक्षा भी रखती हूँ आपसे कि आप निरंतर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं भी कोई कसर आप अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहे हैं और जल्दी ही आपका संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है नवंबर में वो भी होने वाला है, तो उसके लिए आप लगातार रिवीजन कर रहे होंगे, अधिक से अधिक समय अपनी तैयारी को दे रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। साथियों, हम कर रहे थे रिवीजन हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का, उसमें हमने जो हिंदी की गद्य विधाएँ हैं उनमें हमने उपन्यास के बारे में पढ़ रहे थे। तो उपन्यास में हमने आंचलिक उपन्यासों की, साम्यवादी उपन्यासों की, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की, ऐतिहासिक उपन्यासों की बात कर ली थी। आज का ये वीडियो हमारा उपन्यास विधा का अंतिम वीडियो होगा और इसमें हम बात करेंगे आधुनिकता बोधवादी जो उपन्यास हैं उनके बारे में, जो चार पांच ही लेखक प्रमुख हैं। उसके बाद कुछ एक एक उपन्यास जिनको जो प्रमुख हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है उनकी मैं बात करूँगी। उसके बाद अगले वीडियो में हम कहानी विधा पर बात करेंगे। तो साथियों, आधुनिक बोधवादी उपन्यास जो हैं वो स्वाधीनता के बाद यानी आज़ादी के बाद जो नए नए विषयों को लेकर जो उपन्यास लिखे गए उनको आधुनिकता बोधवादी उपन्यास कहते हैं। इनमें सबसे पहले प्रमुख उपन्यासकार की बात करें तो मोहन राकेश जी का नाम आता है। मोहन राकेश जी के कुछ उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, कांपता दरिया, नीली रोशनी की बाहें। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वो अंधेरे बंद कमरे हैं जो आपको याद रखना है। मोहन राकेश जी की कई कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा अलग लिखकर आधुनिकता में, आधुनिक काल में जो प्रमुख लेखक हैं जिनके उपन्यास और कहानी दोनों ही प्रसिद्ध हुई हैं, थोड़ा सा आपको अलग अलग लिखकर अभ्यास करना होगा। 10-12 लेखक ऐसे हैं जिनका आपको अलग से लिखकर अभ्यास करना होगा कि हाँ इसकी इनकी इन लेख ये कहानी है, ये उपन्यास है, उसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि उपन्यास ये है और कहानी है, क्योंकि प्रश्न कई बार ऐसा आ जाता है जैसे कि निबंध में से मोहन राकेश जी की कहानी है या कहानी नहीं है। तो कहानी नहीं है तो उसमें वो 3 कहानियाँ देंगे, एक उपन्यास का नाम दे देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए थोड़ा सा आपको ये गद्य विधाएँ तभी थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं क्योंकि इनमें अलग अलग याद करना पड़ता है और अलग अलग भी क्या 2 या 3 विधा ही ज़्यादा हैं, जैसे कहानी और उपन्यास ही प्रमुख हैं या फिर नाटक हैं, उसके बाद तो और तो कम ही विधाएँ हैं जो साथ में लिखी गई हैं, उनके तो अलग ही लेखक हैं। तो मोहन राकेश जी के ये उपन्यास थे और वैसे मोहन राकेश जी हैं वो प्रमुख नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनके नाटक भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, तो आपको इनके नाटक, कहानी और उपन्यास अलग अलग लिखकर याद करने हैं। मनु भंडारी जी, उनका उपन्यास है महाबोझ, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और सौम्य। 1 इंच मुस्कान जो है वो इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था, तो ये भी आपको याद रखना है। और महाबोध इनका प्रमुख उपन्यास है जिसका बाद में नाट्य रूपांतरण भी हुआ था। इसके बाद आते हैं राजेंद्र यादव जो मनु भंडारी जी के पति हैं, उनके प्रमुख उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सह और मात, 1 इंच मुस्कान। यानी 1 इंच मुस्कान में मनु भंडारी जी का नाम भी आ जाएगा और राजेंद्र यादव का नाम भी आ जाएगा। राजेंद्र यादव का पहला उपन्यास प्रेत बोलते हैं नाम से लिखा गया था जिसका उन्होंने बाद में नाम कर दिया सारा आकाश। तो इनके उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सह और मात और 1 इंच मुस्कान, ये 4 ही प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद आते हैं निर्मल वर्मा जो एक कहानीकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनकी एक कहानी परिंदे जो हमारे सेकंड ग्रेड में पाठ्यक्रम में भी शामिल थी, अभी भी है शायद। तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं वे दिन, रात का रिपोर्टर, एक तीथड़ा सुख, लाल टीन की छत और अंतिम अरण्य। तो इनके वे दिन और रात का रिपोर्टर जो है उपन्यास प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इनकी कहानियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो आपको इनमें अलग अलग याद करना है। और निर्मल वर्मा जी को हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 1991 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ये आपको प्रमुख जो पुरस्कार हैं वो तो याद रखने ही हैं। उसके बाद शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी हैं जिनके एक उपन्यास है जिनका बहती गंगा 1952 में। रुद्र के इस उपन्यास में 17 कहानियों के माध्यम से काशी के 200 वर्षों के इतिहास को लिखा गया था। तो कुछ लोग तो इसको कहानियों का संग्रह मानते हैं नहीं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जो भाग थे उनको अलग अलग नाम दिया था शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने। वैसे वो पूरा नाम था बहती गंगा, क्योंकि काशी गंगा नदी के किनारे पर है तो उन्होंने बहती गंगा नाम दिया था, लेकिन काशी के 200 वर्षों का इतिहास उन्होंने अलग अलग 17 भागों में लिखा था साथियों। तो उन्होंने 17 भागों को अलग अलग नाम दे दिया, तो कुछ लोग इसको फिर कहानी संग्रह भी मान लेते हैं कि अलग अलग ये कहानियाँ हैं।
इन भागों को उन्होंने तरंग नाम दिया था और उन तरंगों को फिर अलग अलग नाम दे दिया था। इसलिए कुछ विद्वान बहती गंगा को उपन्यास नहीं मानकर कहानी संग्रह मानते हैं। उसके बाद आते हैं भीष्म साहनी, जिनके प्रमुख उपन्यास हैं तमस, जरोखे, कड़ियाँ, बसंती, कुत्तो, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और जो इनका तमस उपन्यास है वो पंजाब विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, यानी आप इसको भारत पाकिस्तान विभाजन त्रासदी से जोड़कर भी देख सकते हो। इस उपन्यास पर 1975 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो तमस उपन्यास तो आपको भीष्म साहनी का याद रहना ही चाहिए। उसके बाद है रमेश चंद्र शाह, जिनके उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, आप कहीं नहीं रहते, विभूति बाबू, विनायक। तो रमेश चंद्र शाह का जो गोबर गणेश और विनायक जो है वो प्रमुख उपन्यास हैं। विनायक उपन्यास के लिए उनको 2014 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और गोबर गणेश भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके अलग अलग तीन भागों में बांटा गया था, अन्न जल त्रिपार्श्व और अपने हिस्से का आसमान, ये तीन भाग हैं अलग अलग गोबर गणेश उपन्यास के। उसके बाद हैं गिरिराज किशोर, इनका उपन्यास है ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमटिया, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ढाई घर उपन्यास जो इनका है उसको 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद हमारे कुछ उपन्यास एवं उपन्यासकार आते हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये 13-14 उपन्यास और उपन्यासकार हैं, मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ, ये तो आपको याद रहने ही चाहिए। पहले हैं जिंदगी नामा उपन्यास का नाम है, लेखिका है कृष्णा सोबती, 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती जी की कुछ कहानियाँ भी हैं और कुछ उपन्यास भी हैं, वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कृष्णा सोबती आधुनिक काल की महत्वपूर्ण लेखिका है। तो जिंदगी नामा इनका उपन्यास है जो 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ था। उसके बाद ताप के ताए हुए दिन उपन्यास है त्रिलोचन शास्त्री का, जो 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। उसके बाद ढाई घर गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है, जिसको 1992 में साहित्य अकादमी मिला। उसके बाद नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, जिसको 1990 में साहित्य अकादमी मिला। उसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक है, 1999 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो उपन्यास है, आपको याद रखना है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा को चांद चाहिए था, तो 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है। उसके बाद है कली कथा वाया बाईपास, अलका सरावगी जी का उपन्यास है, 2001 में साहित्य अकादमी मिला। उसके बाद कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का 2003 में साहित्य अकादमी मिला। कितने पाकिस्तान भी भारत पाकिस्तान जो विभाजन की त्रासदी थी उस पर आधारित उपन्यास है। उसके बाद क्या आप मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, जिसको 2005 में साहित्य अकादमी मिला। इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी का उपन्यास है, जिसको 2007 में साहित्य अकादमी मिला। उसके बाद कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है, जिसको 2008 में साहित्य अकादमी मिला। उसके बाद है मोहनदास उदय प्रकाश जी का उपन्यास है, जिसको 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, जिसको 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद मिलजुल मन मृदुला गर्ग का उपन्यास है, जिसको 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यास थे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद अगली हमारी जो विधा होगी वो कहानी होगी, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और आपको मैंने हिंदी साहित्य इतिहास का छोटे छोटे वीडियोस में करके ऐसे रिवीजन करवा दिया है साथियों। मैंने आपसे कहा था कि मैं बोर्ड की व्यवस्था करूंगी, लेकिन नहीं हो पाई साथियों किसी कारणवश से। अभी तो दीपावली की छुट्टियां हो जाएंगी, या तो मैं घर पर जाऊँगी या वहाँ कोई मंगवाऊँगी, बोर्ड यहाँ तो नहीं हो पाई। और वापस आने के बाद साथियों यहाँ मैं आपसे मैं ये नहीं कहती कि मैं आपका सारा पाठ्यक्रम करवा दूँगी, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता है साथियों। और पाठ्यक्रम मैं कहूँ तभी मैं उसी काम की कहती हूँ जो मैं करवा सकती हूँ पूरा। मैं एक बार तो आपको कह दूँ कि आप जुड़ जाइए, पाठ्यक्रम पूरा करवा दूँगी, ये करवा दूँगी, फिर मेरे से होगा नहीं। तो साथियों फिर वही है कि बस सिर्फ जोड़ने के लिए या फिर सिर्फ अपना वीडियो वो करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा काम मेरे से नहीं होता साथियों। पूरा वीडियो पूरा मैं सिलेबस आपको नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको पुराने जो पेपर है मेरे पास, जैसे 2014 से लेके 22 तक के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, मैं आपको उनको सॉल्व करवा दूँगी, या फिर जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगें कि हाँ महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगें कि हाँ मैं इनको समझा सकती हूँ, आपको कुछ करवा सकती हूँ, तो वो मैं बोर्ड पे ज़रूर कुछ करवाने की कोशिश करूँगी साथियों। अभी तो नवंबर आ जाएगा, आप ये मान के चलिए आधा नवंबर आ जाएगा, क्योंकि 7 तक तो दीपावली की छुट्टियाँ रहेंगी, उसके बाद फिर परिवार में एक शादी है साथियों 12 तारीख की, तो एक दो दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसे करते करते 15 तारीख तो
वही जाएंगी नवंबर की, उसके बाद ही मैं बोर्ड की कोई व्यवस्था करके आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको सारा पाठ्यक्रम करवा दूंगी, कभी नहीं हो पाएगा साथियों, क्योंकि स्कूल के बाद इतना टाइम नहीं बचता है कि मैं रोज़ाना कम से कम 1-1.5 घंटे का रोज़ाना वीडियो बने तब जाकर पाठ्यक्रम पूरा हो, वो भी कई दिन लग जाएँ। पूरा पाठ्यक्रम तो नहीं करवा पाऊँगी लेकिन कुछ ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगी साथियों, और लगे रहिए लगातार अपनी तैयारी में, जुटे रहिए साथियों। और उपन्यास आपके लिए एक प्रश्न है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है और किसने कहा था उपन्यास सम्राट उनको, यह आपके लिए आज का एक प्रश्न है। और फिर बोलते हैं साथियों अगले वीडियो में, इन वीडियोस के लिए से आपका कुछ साथियों रिवीजन हो जाता है, कुछ साथी देखते हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए भी आपका हमेशा मैं आपकी आभारी रहूँगी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।